डिस्कसिंग तो कि यहाँ पर लिखा हुआ कि इनकरेज टू स्टडी टिल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तो में है वो कैसे किया तो जाए हाँ, हाँ, तो एक, 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 तो। हाँ, 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 एक गवर्नमेंट हो गया दूसरा होगा कि आप लोगों तक उनको अवेयर करिए के मिलिए देर को या सैटरडे को जहा पर आप इवेंट करा सकते हो कि कैसे इम्पैक्ट करता है पीपीटी मॉडल में है, फिर सिंपल आप सकते हो एडवरटाइजमेंट के थ्रू बोल सकते हो तो लोग के दिमाग के अंदर मूवी छोटा डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो में करने कि कोई कोई महिला पढ़ी गर्ल पढ़ी उसके बाद फिर घर में उ, उस उज्जवलाया एक तरह से पैसा ज्यादा आया तो हो सकता है ये बात

तो दिस इज़ देयर इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करेगा सो इंक्रीज्ड फॉरन इन्फ्लोज इन टू द इंडियन गवर्नमेंट डेट वंस दे आर लिस्टेड ऑन जेपी मॉर्गन बॉर्न इंडेक्स सो यहाँ से भी कॉस्ट ऑफ बोरविंग और कम हो जाएगी तो हमने बात करी थी टू तो, मंथस ये स्टेप कैसे हेल्प कर सकते हैं इंडिया को तो जो कॉस्ट ऑफ बोरविंग है इट कैन गेट रिड्यूस्ड ये so, yeah, ये भी तरीके से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी तो हम जैसे बात करते हैं कि बजट का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है तो वहां पे भी और स्पेस क्रिएट की जा सकती है तो क्वांटम ऑफ बोरोइंग लोअर क्वांटम सो प्रपोज इस बजट में जो प्रपोज बोरुंग एस्टिमेट किया गया दैट इज

So it is moderating since then. Fiscal deficit target 5.1% of the GDP next financial year. They say it was 5.9%. Now we 5.1%, so gradually we Unemployment rate declines to 6.5%. Urban areas for persons aged 15 years and above decreased. तो so, यहाँ हम हमेशा बात करते हैं कि पीरियॉडिक लेबर फोर्स जो डेटा प्रोवाइड करता है तो वर्कर पॉपुलशन रेशियो एक एस्टिमेट है कि हाउ मच लाइक लेबर जो इम्प्लॉयड है तो इम्प्लॉय में दो कैटेगरी होती है तो वो, वो, तो वो भी लेबर फोर्स का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं तो जो वॉल्ट्री देर नॉट लुकिंग फॉर जॉब दे आर नॉट कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ लेबर फोर्स

And hmm. a step towards de-dollarization. So rupee cards we can do the payments in Sri Lanka and Mauritius as well. France may this is already working. Singapore me it is working. France is the first European country to adopt this. Hmm. Am, jagah promote hmm. Yes. So is Indian tourists we can say key tourism industry could be say boost. We'll also out. get pro -try, uh,

एरियाज hmm. में जैसे में तो मेजरली हम नरेगा सेक्टर की बात करते हैं एम जी नरेगा जो जॉब गारंटी प्रोवाइड करता है हंड्रेड डेज की तो वहाँ पे भी जॉब्स को ब्रॉडन जैसे नॉन फार्म सेक्टर में जॉब्स को और ब्रॉडन करना इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में हम ब्रॉडन करने की कोशिश कर रहे हैं बट डिजिटल इकोनमी गुड इनफ टू बी रेप्लीकेटेड बाय रिच नेशन तो

प्रॉब्लम है क्योंकि उसके लिए आपको हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो चाहिएगा तो विच इज नॉट अ गुड साइन कैपिटल आउटपुट रेशियो हमेशा कम होना चाहिए सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बात हुई इट नीड्स टू बी गियर टू मीट द ग्लोबल डिमांड नॉट जस्ट द डोमेस्टिक डिमांड इंक्लूडिंग बाय एड्रेसिंग इश्यूज सच एज लैंड अवेलेबिलिटी नंबर ऑफ लाइसेंसिस रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेसेस तो जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसकी बात हो रही है एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है वो द ग्रोइंग इकोनॉमी लार्ज वर्क फोर्स वुड बी देयर इन इंडिया जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज की बात करते हैं लो डिपेंडेंसी रेशियो सो इंडिया इज वेल प्लेस टू टेक डिविडेंड डिजिटल साइड ऑफ द इकोनॉमी एक्सट्रीमली वेल डिजाइंड तो ये एग्जाम्पल है कि स्ट्रक्चरली जो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो जाती है तो उसकी कितना पॉजिटिव uh, रिपोर्कॉशंस uh, हो सकते हैं इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के परसपेक्टिव से भी डिजिटल सेक्टर ऑल्सो तो ई नैम इज एन एग्जाम्पल की वहां पर भी कोई इंटरमीडिय नहीं है एंड बोस्ट ऑफ ऑनटरपन एक्टिविटीज जैसे हमने बात करी इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है मोर आर देयर इन इंडिया सो फुल पोटेंशियल या फुल जी डी पी या फुल एम्प्लॉयमेंट के जो हम टर्म यूज uh, करते हैं तो इट के नॉट बी ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड रिलेटेड इनकम ग्रोथ तो दोनों होनी चाहिए तो तभी हम फुल पोटेंशियल जी डी पी तक पहुंच पाएंगे विच इज आइडल सिचुएशन तो चाइना का भी यहां बात की गई कि प्राइवेट ऑनटरप्रनोर्स आर अंडर इन्वेस्टिंग इन दैट कंट्री द ऑफ दी हैंडेड रेगुलेशन एंड पॉलिसी एंड रिस्टोरिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डन ओवर नाइट ऑल्सो तो चाइना की जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज ऑल्सो नॉट गिविंग अ पॉजिटिव आउटलुक तो इवन ये भी एक फैक्टर बोल सकते हैं जो इंडिया की फेवर में है तो इंडिया की टू डू लिस्ट क्या है

आईपीओ पेपर से आके सेबी इज इंक्रीजिंग द स्क्रूटनी इश्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल बाय द कंपनी इज गोइंग पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कैन बी यूज फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर डेट रिडक्शन जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड एक्विजिशन तो 2023 में भी सौ के सिंस प्राइमरी मार्केट का एग्जांपल है ना आईपीओ हाँ प्राइमरी मार्केट हाँ

तो इसीलिए रेगुलेशन बाय बायी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट तो यहां इम्पोर्टेंट ये यह है कि जो फंड्स रेज किए जाएंगे कंपनीज उनको कैसे यूज करेंगी तो वहां पे स्क्रूटनी और इंक्रीज की गई है तो अगर फंड्स रेज किए जाएंगे यूज किए जाएंगे टू रिड्यूस द डेट प्रमोटर्स विल हैव देयर शेयर्स लॉक्ड इन फॉर एटीन मंथ्स तो अगर उस पैसे को आप मार्केट से जो पैसा आप रेस करना चाह रहे हो फ्रॉम द कैपिटल मार्केट उसको डेट रिड्यूस करने के लिए अगर आप यूज करोगे तो लॉक इन पीरियड मतलब कि आप इतने टाइम पीरियड के लिए उस पैसे को यूज नहीं कर सकते हो इट रिमेंस लॉक्ड प्रमोटर्स मतलब कि एक टर्म यूज करते हैं जो ओनर्स ऑफ द कंपनी हम बोल सकते हैं उनको प्रमोटर्स बोलते हैं so गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल गैस रिजर्व्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट इन विद ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया सो वी हैव दैक्ट लोकेशंस वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी मुझे कब सामने में नोटिफिकेशन आया तो स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेज फैसिलिटीज तो जैसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं क्रूड ऑयल रिजर्व इंडिया में सिमिलरली हम स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेज फैसिलिटीज की बात करें

गैस इज हमने अभी कतर टीवी बात करी थी तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इंडिया इज इम्पोर्टिंग तो यहाँ लोकेशंस ये है मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा एंड देन नागपुर जबलपुर पाइपलाइंस edible oil imports fall by 23% so here uh, india is focusing upon self sufficiency so here we have the national oil seeds mission and major important, important uh, importing countries is indonesia and malaysia so india import karte, uh, consumption of around 24 to 25 million tons so to imports about 58% the total annual edible oil

अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट मलेशिया और इंडोनेशिया जो क्वान्टिटी अवेलेबल कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट वो भी कम हो रही है बिकॉज दे आर यूटिलाईजिंग इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल तो इसकी वजह से प्राइस और इंक्रीज भी हो सकते हैं तो एक ये भी नेगेटिव चीज है और क्वान्टिटी भी कम अवेलेबल है तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो इसलिए डोमेस्टिक या डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल एम्पावर्मेंट ऑफ वुमेन लखपति दीदीज हमने कल बात करी थी तो वीलरेडी लखपति दीदीज सो so, स्किल्स uh, है की तो दे कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो एंड ये भी एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का तो दे वुड बिकम नॉट जस्ट फाइनेंशियली एम्पावर्ड बट इंडिविजुअली इम्पावर्ड वुमेन इन टर्म्स ऑफ जो डिसन लिए जाएंगे विच कैन बी अगेन हेल्पफुल इवन आर द फ्यूचर डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन इसके थ्रू वी कैन सेवन जी डी पी ऑफ इंडिया पे जो एक कलेक्टिव इम्पैक्ट होगा बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है कंजम्पन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो सकता है हाउस होल्ड का तो दिस इज थर्टी मिलियन वुमेन टू बी ऑफर्ड स्किल्स ट्रेनिंग अंडर दिस स्कीम सो सेल्फ हेल्प ग्रुप इम्पोर्टेंट्स इनोवेशन तो मल्टीपल एरियाज है लाइक रेन्यूएबल इनर्जी अगेन क्लाइमेट चेंज में उनका क्रिटिकल रोल हो सकता है जी डी पी में हो सकता है इनोवेटिव uh, इंडस्ट्री में उनका इंपोर्टेंट रोल हो सकता है फ्यूचर स्टार्टअप में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है Oh, Aushik, you can take up this so environment kibatory oil spill sparks the national emergency so caribbean island kibatory national emergency oil spill so this is also one of the main challenges as far as climate change is concerned or the health of ocean is concerned so this so solution हमने बात करी है कि बायोरेमेडिएशन हेल्प कर सकते बिकॉज़ ऑफलेट हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि चेन्नई कोस्ट के आसपास भी देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ ऑयल स्पिल तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर एट द सेम टाइम सो केरला में वी आर सीइंग अगेन द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स सो वेनार्ड is a region in the state of Kerala. So there are the Wildlife Institute of India and the Periyar Tiger Conservation Foundation. They found two major drivers of human animal conflict in the state. So, one reason is there is decline in the quality of the forest habitat. So that is why the wildlife species are moving out. And that is,

एलिफेंट्स uh, के बीच में सो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बैंड कल्टीवेशन इन प्लांट्स की कल्टीवेशन को बैन किया गया था एंड प्रोसेस ऑफ रीजनरेटिंग द नेचुरल फॉरेस्ट इस पे फोकस किया गया बट अगेन ये बहुत लंबा टाइम पीरियड चाहिए अगेन अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया को फिर से रीजेनरेट नेचुरल फॉरेस्ट So, apart from this, हमने पहले बात करी है लाइक हनी बी कल्चर दैट कैन बी ऑल्सो हेल्पफुल्स ऑल्सो सो सोलो पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी की गई है बट अगेन यहाँ पे हमें uh, ये भी इंश्योर करना है साथ में कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रुआलिटी टू तो एनिमल्स ये भी नहीं होना चाहिए तो सोलो पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग दिस इज एलिफेंट प्रूफ स्टोन वॉल्स बनाई गई है सो हेज टू प्रोटेक्ट इवन दल्टीवेटेड फील्ड एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस एलिफेंट प्रूफ स्टोन वॉल्सावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग सो फार्मर्स प्रोटेस्ट की जब हम बात करते इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया इवन इन यूरोप इन सेवर वी आर सी फार्मर्स प्रोटेस्टिंग सो देअ द रीजन इज यूरोपियन कंट्रीज में कि प्रोटेस्टिंग सब्सिडी कट्स जो किए जा रहे हैं चीप इम्पोर्ट्स आर तो चीप इम्पोर्ट्स अगर अवेलेबल uh, होंगे या ज्यादा किए जाएंगे तो उनका जो मार्केट प्राइस है वो और ज्यादा कम हो जाएगा तो उनके चांसेस ऑफ लॉसेस कैन इनक्रीज हाई एनर्जी प्राइसेस है तो एक तो वन साइड दे आर फेसिंग की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज हो रहा है बट साथ के साथ उनको सब्सिडी बेनिफिट्स कम प्रोवाइड किए जा रहे हैं और चीपर इम्पोर्ट भी हो रहे हैं तो मार्केट में सप्लाई एडिक्वेट है तो इसलिए मार्केट प्राइजेस भी फॉल हो रहे हैं तो एक तरीके से फाइनेंशियली जो फाइनेंशियल वाइबल है प्रोफेशन दैट इज डिक्लाइनिंग और इरोडिंग तो ग्रीन पॉलिसीज है ऑफ ऑल्टर दैट इज ऑल्सो लिमिटेड राइट नाउ तो इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हो सकता है फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है स्टावेशन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सो अगेन फूड इंफ्लेशन इसकी वजह से और इंक्रीज हो सकती है जो ऑलरेडी एक हमारे लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज है

इन फाइनेंशियल सिस्टम के अराउंड यहाँ पूरा क्योस की बात हो रही है डिमोनिटाइजेशन की भी हम बात कर सकते हैं अनप्रडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो गई है तो फाइनेंशियल हेल्थ इट इज नॉट जस्ट ओनली रिलेटेड टू यू नो मनी तो उसका हेल्थ सेक्टर पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में हमने देखा एवरग्रांडेड चाइना मेड फेल्ड तो ओवरऑल इसी पूरी चीज की बात हो रही है हाई इंटरेस्ट रेट्स में डिलेड इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ तो ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ रहता है जब भी हम मॉनिटरी पॉलिसी की बात करते हैं अगर आप टाइट मॉनिटरी पॉलिसी को फॉलो करोगे टाइट मॉनिटरी पॉलिसी मीन्स अगर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हो मनी सप्लाई आप कम करना चाहते हो इकोनॉमी में सो दैट इन्फ्लेशन कम हो जाए बट अगेन मनी सप्लाई कम होगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा जी डी पी ग्रोथ रेट पे तो इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी बट जीडीपी ग्रोथ रेट भी हम चाहते कि कम ना हो तो इसलिए इसको हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं और अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी जीडीपी भी इंक्रीज होगी बट हम चाहते नहीं कि इन्फ्लेशन बियॉन्ड द टारगेट इंक्रीज हो तो दैट इज द मेन इशू एज फार एज मॉनिट्री पॉलिसी एंड द ट्रेड ऑफ इज कंसर्न्ड माइग्रेटरी स्पीशीज ऑन डिक्लाइन And this is talking about climate change. The 44% migratory species worldwide are declining in population. So like many songbirds, sea turtles, whales, sharks. They move to different environments with changing seasons. And they're imperiled by habitat loss, illegal hunting, poaching, fishing, fishing, unregulated fishing, and pollution and climate change.

रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है फूड सिक्योरिटी सो कुछ स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए भी इवन माइग्रेशन इम्पोर्टेंट है तो अगर माइग्रेशन कट हो जाएगा तो आर गोइंग टू किल दो स्पीशीज तो यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं कि कैसे इवन स्मार्ट सिटीज की जो हम बात करते हैं या फिर एविडेंस साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज़ एरिया इम्पोर्टेंट तो देट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल तो सस्टेनेबल एंड सनर्जेटिक होना चाहिए तो आई यू सी एन रिलीज द रेड लिस्ट विच ट्रैक्स की स्पीशीज क्या उनका स्टेटस है एंडेंजर्ड स्टेटस

सो so, जब हम बात करते हैं अचीविंग द डेवलप्ड कंट्री स्टेटस इट विल विकसित डिपेंड ऑन भारत इम्प्रूव बेसिक सर्विसेज एंड इनोवेशन तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है तो क्वांटिटी so, पे फोकस ना करना या यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जैसे पॉवर्टी की भी बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी वहां भी हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉकिंग अबाउट क्वालिटी बाय so डेफिनेशन अभी इंडिया जो है इट इज क्लासिफाइड एज लोअर मिडिल इनकम कंट्री वर्ल्ड बैंक की कैटेगराइजेशन uh, की बात कर रहे हैं विद ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी फोर हंड्रेड डॉलर तो अगर जो हम बात करते हैं टारगेट ऑफ डेवलप्ड कंट्री तो कंपाउंड ग्रोथ रेट जो एनुअल होना चाहिए ऑफ द जीएनआईटल सेवन पॉइंट फोर परसेंट से ग्रो होना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर सेंचुरी में स की जी एन पी पर कैपिटल शुड इंक्रीज बाई सेवन परसेंट तो क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे डेमोग का भी इम्पोर्टेंस क्वालिटी प्रोडक्टिविटी जो भी कैपिटल आउटपुट रेशियो की में बात कर रही थी तो दैट इज द सेम थिंग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए तो पूरा क्वालिटी की बात हो रही है तो तभी हम इवन हेल्थ सेक्टर की भी बात करेंगे तो क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है india's disease burden of tuberculosis hepatitis a and b measles can be dramatically reduced with more consistent and widespread delivery of vaccines also and even in terms of drug availability so nutrition deficit nutrition security both important so easily even increasing the health sector G healthcare sector gdp is also significant during this specific time period लिखा हुआ अच्छा कि सोवियत स्टाइल एजुकेशन सिस्टम से हट करके ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जहां पर कोलैबोरेशन बिटवीन द कंपनीज एंड अकेडमी लास्ट सेकेंड कोलोकेटेड प्लेसेस जहां पर अटल इनोवेशन जो है वो इसी पे वर्क करते हैं कोलाबोरेशन ऑफ द कॉरपोरेट एंड द लोकल इंस्टीट्यूट अटल इनक्यूबेशन सेंटर सॉरी

उससे इंडियन टू इंडिया देरी एक्सट्रीमलीट वॉज के लो प्रोफाइल बिटवीन द टू गवर्नमेंट और, और अर्लियर दिस मंथ मल्टी बिलियन डॉलर डील वाज साइंड टू सिक्योर द इम्पोर्ट ऑफ एल गैस तो ऐसा तो बोल सकते ना कतार यूज दैट थिंग क्योंकि ड्यू प्रोसेस यूज नहीं किया था इसमें उसमें कोई जजमेंट में नहीं दिया हुआ था कि प्रूफ नहीं दिया गया था कि हो सकता है पॉसिबिलिटी क्वेश्चन मार्क इज फॉर सिक्योरिंग द मल्टी बिलियन डॉलर डेली इन द लॉन्ग बिकॉज इंडिया इज डिपेंडेंट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द एल एनजी फ्रॉम बाद में ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए इंडिया को key diversification of the product, especially through LNG from other countries. TN Governor Ravi refuses to deliver customary addresses. It is ongoing drift between the state government. The government said, due regard to the constitutional of pro properties.

गवर्नमेंट आर रन बाई पार्टीज इलेक्शन इसलिए हो सकता है कि दे वुड अचीवमेंट इन पॉलिटिकल पोलिटिकल एंड पीपल इट इज ऑफ कितना अच्छा रोल ऑफ द पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन विधान इन द स्टेट असेंबली एंड द पीपल टू जज द कंटेंट ऑफ दैट ऑफ द गवर्नर

स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इट इज फॉर इंक्रीजिंग टूरिज्म और हाइजीन सैनिटेशन फैसिलिटी इन द हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो इंडिया को एक एक ब्रांड इंडिया का नाम इंडिया का ब्रांड इमेज पर इफेक्ट होता है जब हाइजीन प्रॉब्लम होता है आजकल तो उसको डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अरब यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री

पट्टचित्र सब में तो आईज एनएफटीस तो तो, की भी बात कर सकते हैं नॉन फंजीबल टोकंस वहां पे ने, ने, भी मतलब कुछ भी जो रैंडमली चीजें बनाई जाती है ने, जो कभी-कभी <laughs> देखा गया कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग रही बट उसकी भी अपनी स्टोरी लॉजिक अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ ग्लोबल वोटर्स इज एक्सरसाइज राइट इन 2024 तो इंडिया रैंक इन द मिडिल तो इंडिया मिडिल में और ट्वेंटी फोर में इलेक्शन कहां, कहां पर है पाकिस्तान में हो चुका है इलेक्शन तो उसमें यूएस में मैक्सिको में इंडिया में यूके में, में अगले साल फ्रांस ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर गैप इक्विटी इंक्लूजन फोकस होना चाहिए सोशल इकोनॉमिक इम्पावरमेंट ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड क्लाइमेट एक्शन का पार्ट है टू प्रोट लेड डेवलपमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात किया गया ग्लोबल अलायस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी जैसे अगर जेंडर बोटिंग में किया जाए तो अलोकेशन ऑफ ट्वेंटी बिलियन डॉलर है पहला पॉइंट पार्टिसिपेशन रेट है हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ा है जैसे आई से सर्वे में देखा गया कि फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ वेमेन है हायर एजुकेशन सेक्टर मोस्टली ऑफ देम इज एनरोल्ड इन आर्ट्स रादर देन स्टेम तो उसमें बढ़ना चाहिए शेयर फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है पार्टिसिपेशन नाइन करोड़ वेमेन इन एट्टी थ्री लैक सेल्फ हेल्प ग्रुप तो उससे भी एम्पावरमेंट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंक्लूजन फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एनजीओ एनजीओ कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

वहां प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है तो उनका डिमांड है सिवरल के लिए गारंटी अभी लीगल नहीं है इम्प्लीमेंटेशन लैंड एक्शन पॉलिसी कंपनीशन हाई होना चाहिए जो भी लोग मरे उनको वापस से मिलना चाहिए पेंशन मिलना चाहिए फार्मर्स के लिए फार्मर लेबर के लिए अमेंडमेंट बिल जिसमें इलेक्ट्रिकसिटी के हिसाब से मीटर लगता है वो नहीं होना चाहिए नेशनल चिली एंड जैसे बाकी लोग के लिए टी बोर्ड कॉफी बोर्ड वैसा होना चाहिए राइट ऑफ द इंडिजन वोटर तो किसान मजदूर मोर्चा इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर ग्रुप फॉर द फार्मर्स प्रोटेस्ट वो इम्प्लीमेंट वो एक तरह से इसमें बढ़ भारत बन तो ओवरऑल इसी बात करते कि सुप्रीम कोर्ट गिवेन डायरेक्शन रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट कि यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंदर में लेकिन यू डोंट हैव द राइट टू तो ब्लॉक द रोड और कॉज एनी हार्म टू द कम्यूटर तो डिजाइड लोकेशन पर होना चाहिए तो वहीं पर गोभी मंचूरियन जो है फेमस है कि मंचूरियन चाइनीज नहीं है मंचूरियन कोलकाता के एक चाइनीज डिसेंट के तो उसके थे UAPI. UAPI के अंदर में आप किसी को पहले बोल सकते हो कि प्रोसिक्यूट कर सकते हो टेररिस्ट घोषित कर सकते हो तो एक थोड़ा ड्रॉबैक भी है और इसके अंदर में स्पीड कोर्ट का बात किया गया एन आई कोर्ट और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है तो यही बस कोर्ट मस्ट एग्जाम मस्ट नॉट एग्जामिड एविडेंसोडीन केला राइजिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट व्हाई अफेक्टेड मोस्ट रेडियो कॉलर एग्री प्रैक्टिसेस कैसे किया जा रहा है एलिफेंट प्रूफ स्टोन वॉल कितना अच्छा एग्जांपल है सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग यूज़ ऑफ लेंटर्ना कैमरा जो बाकी जो भी स्पीशीज होता है उसको यूज कर सकते कमकुमी एलिफेंट को यूज कर सकते हनी बी एपिकल्चर प्रमोट कर सकते ऐसा वाला